चंडीगढ़ में हरियाणा के वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट पेश किया, जिसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वर्ष 2023-24 में सड़कों के सुधार समेत चौड़ीकरण और 14 नए बाईपास का निर्माण किया जाएगा। वहीं सहकारिता मंत्री ने बताया कि 1600 करोड़ रुपए का बजट सहकारिता विभाग को मिला है। बिजली मंत्री ने कहा कि ये बजट आम लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया। विभाग की बात है, हमारे पास जैसे पब्लिक हेल्थ के अंदर 5000 करोड़ से ऊपर का बजट उन्होंने दिया है और पिछले बजट से लगभग 16% अधिक है। और जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर जिस तरह से जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जल जीवन मिशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत हर घर नल से जल देने का जो हमारा प्रोविजन है। दूसरा, जो हमारा सीवरेज 100 किलोमीटर के करीब सीवरेज लाइन बिछाने के लिए भी इसमें बजट दिया गया है। मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया बजट है। इन हालात में पिछले साल जो हमारा बजट था उससे 11.6, आप ये समझिए कि 1,83,000 का बजट पेश हुआ है और उसमें सभी को कवर करा गया। जितने डिपार्टमेंट्स हैं आपके, एजुकेशन से लेके PWD भी एंड आर, हमारा भी, हेल्थ भी, पब्लिक हेल्थ भी। आज नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं और नए नए स्टार्टअप्स के लिए युवाओं को फंड्स समय अनुसार नहीं मिलते और बैंकिंग सेक्टर भी हिचकिचाता है। तो प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उस 200 करोड़ से महिला जो कोई अपना वेंचर शुरू करेंगी, SC ST साथी कोई अपना वेंचर शुरू करेंगे, या युवा जिसके पास आज कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है पर एक आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है वो अप्लाई कर पाएगा। और 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट हरियाणा सरकार कैपिटल के तौर पे उसके निवेश में करेगी।